नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक मजेदार एप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप अपनी आवाज को चेंज करके लड़की की आवाज में अपने दोस्तों से बात करना चाहते हैं तो इस ऐप की मदद से आप ऐसा कर सकते हैं। आपका दोस्त बिल्कुल चौंक जाएगा कि ये लड़की कौन बोल रही है। साथ ही इस ऐप की एक और आपको फीचर बताऊंगा, अगर आप घर पे हैं और आपको कोई फोन करता है और आप बहाना बनाना चाहते हैं कि हम मार्केट में हैं, लेकिन वो व्यक्ति आपको समझ जाता है क्योंकि आपके घर की वातावरण शांत होती है, तो इस ऐप में वो भी फीचर है कि आप कैसे कह सकते हैं कि अभी हम हाईवे पे हों या फिर ट्रैफिक में फंसा हुआ हो। क्योंकि इसमें एक ऐसा फीचर दिया हुआ है जिसे आप ऑन कर देंगे तो फिर सामने वाले व्यक्ति को ट्रैफिक की काफी आवाजें सुनाई देने लगेंगे। तो इस ऐप के बारे में जानने के लिए हम ओपन करते हैं अपने प्ले स्टोर को, और प्ले स्टोर ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना होगा मैजिक कॉल। मैजिक कॉल टाइप कीजिएगा। मैजिक कॉल टाइप कर देने के बाद ये ऐप पहले नंबर पे आती है। काफ़ी बढ़िया ऐप है, आप इसे अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं अपने फ़ोन में इसे पहले से डाउनलोड करके रखा हूँ और इसे हम यहाँ से ओपन करते हैं। ओपन हो जाने के बाद इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पे आप इस चेक मार्क पे टिक कर दीजिएगा। टिक कर देने के बाद आपको क्लिक करना होगा रिस्टार्ट पे, और यहाँ से आपको कुछ परमिशन देना होता है, तो यहाँ पे आप अलाउ कर दीजिएगा। यहाँ से आपको फिर से अलाउ करना पड़ सकता है। अब यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के साइन इन करना होता है, तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। मोबाइल नंबर डाल देने के बाद आप क्लिक कीजिएगा रिक्वेस्ट ओपीटी। अब आपके फ़ोन पे एक ओपीटी जाता है और उस ओपीटी को यहाँ पे डालना होता है। मेरे फ़ोन पे वो ओपीटी आ चुका है और मैं इस ओपीटी को यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ। ओपीटी डाल देने के बाद यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा वेरीफाई ओपीटी। अब यहाँ से आपकी अकाउंट मैजिक ऐप का क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फीमेल के रूप में आप बात कर सकते हैं, या फिर आप रोबोटिक रूप में बात कर सकते हैं, या फिर आप किसी बूढ़े लोगों की आवाज़ में भी बात कर सकते हैं, आप चाहें तो बच्चे की आवाज़ में भी बात कर सकते हैं। और यहाँ पे इस फीमेल पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे क्लिक करके आप अपने साउंड को टेस्ट कर सकते हैं कि हम जिस व्यक्ति से बात करेंगे तो हमारी आवाज़ उस व्यक्ति को कैसा सुनाई देगी। उस व्यक्ति से बात करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा कॉल पे, और कॉल पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ से आप उस व्यक्ति का नंबर डायल करके कॉल कर सकते हैं। इसके बाद इस ऐप की एक और आपको खास फीचर बताने जा रहा हूँ, तो यहाँ से हम बैक करते हैं। बैक आ जाने के बाद यहाँ पे हम बैकग्राउंड में जाते हैं, तो बैकग्राउंड में देखिए यहाँ पे हम जिस व्यक्ति को कॉल करेंगे तो यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाई देगी उस व्यक्ति को। जैसे कि यहाँ पे हम ट्रैफिक पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम टेस्ट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हम जिस व्यक्ति से बात करेंगे तो इस तरह का ट्रैफिक साउंड उस व्यक्ति को सुनाई देगी। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ये ऐप आपके कितना काम की होगी। दोस्तों इस ऐप का एडवांटेज तो आप सुन चुके हैं, इस ऐप का एक और एडवांटेज है कि आप जिस व्यक्ति को कॉल करेंगे उस व्यक्ति को आपकी नंबर नहीं दिखलाई देगी। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज की बात करें तो वो भी कम नहीं है, क्योंकि इस ऐप का डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे हमें कॉल करने के लिए सिर्फ 3 क्रेडिट ही हमें मिलेंगे। शुरुआत में हमें कॉल करने के लिए सिर्फ 3 क्रेडिट ही मिलते हैं। मतलब कि अगर आप किसी व्यक्ति से आप ज़्यादा देर तक बात करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको इस ऐप को परचेज करना होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 400 मिनट क्रेडिट मिलेगा 299 रुपये में। तो अगर आप किसी व्यक्ति से ज़्यादा बात करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसके पैक को परचेज कर सकते हैं। साथ ही आपको किसी भी व्यक्ति से बात करते समय नेट भी ऑन करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि किसी व्यक्ति से कैसे अपनी आवाज़ बदल कर बात करते हैं। अगर ये वीडियो आपके काम की है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में, और ऐसे ही सिंपल सिंपल वीडियो मैं अपने चैनल पर लेके आते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।